हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रियंकर, आपका स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ नवरात्रि के नेकलेस, जो कि मैंने नवरात्रि के लिए है वो कलेक्ट किए हुए हैं। एंड मेरे पास कुछ इतने से नेकलेसेस है जिसका रिव्यू हॉल हम शेयर करेंगे। एंड ये सारे ही मेरे ऑनलाइन अलग अलग साइट्स से, अमेजोन एंड मीशो से परचेस किए हुए हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं दिखाऊंगी। उसमें से अगर आपको कोई पसंद आता है तो आप अपने लिए उसको परचेस कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है। यस, सारे ही प्रोडक्ट है वो अंडर 500 है। यस, तो ये काफ़ी अफोर्डेबल भी है। एंड ये सारे ही है वो विथ एयरिंग या विदाउट एयरिंग, ऐसे अलग अलग टाइप के हैं जो कि मैं आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहेगा, होप कि वीडियो ज़्यादा हेल्पफुल होने ही वाली है। मेरे पास कुछ दो या तीन आई थिंक झोकर है, तो उसको अकॉर्डिंग मैंने थोड़े है वो सिल्वर ऑक्सोडाइज में थोड़े कलरफुल एंड काफ़ी ज़्यादा अलग अलग टाइप के है वो मैंने है वो परचेस किए हुए हैं। एंड ये मैंने अमेजोन से लिया हुआ है, अजियो से, ऐसे अलग अलग साइट से। सबसे पहले ये वाला देख लेते हैं जो कि मेरा वन ऑफ फेवरेट है एंड मैंने एक दो वीडियो में वेयर भी किया हुआ है। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो आपने ज़रूर देखा होगा। तो कुछ इस तरीके से इसी बॉक्स में मुझे मिला था, जो कि सुखी ब्रांड का ये प्रोडक्ट है, फैशन ज्वेलर, जिसमें ये उसका करिश्मा कपूर का फेस बना हुआ है। लुक एट दिस, ये पर्ल्स का नेकलेस है। ये से पूरा पर्ल्स में आएगा एंड इसके साथ दो छोटी छोटी सी एयरिंग्स भी आएगी। शो क्यूट, लुक एट दिस। तो कुछ इस तरीके की पर्ल्स में, वाइट कलर के छोटे छोटे पर्ल्स में हमें ये एयरिंग मिल जाएगी, जो कि देखो लगाने पर कितना प्यारा लुक दे रही है। इसी के साथ ये हमें एक नेकलेस मिलने वाला है, जो कि अगेन पूरा मोतियों का पल्स का दिया हुआ है। एंड ये भी अगेन इस तरीके से पूरा गले से अटैच आएगा। लुक एट दिस, यहाँ पे पूरा एक राउंड बना हुआ है जिसमें अच्छे से, अगर मैं देखूँ ना तो बहुत अच्छे से चिपकाए हुए हैं। काफ़ी टाइम हो गया मैंने इसको लिए हुए, बट एक भी नहीं निकला है। मैंने दो बार आई थिंक वेयर भी किया है, बट बिल्कुल भी पल्स से वो नहीं निकलते हैं। यस, तरीके से यहाँ पर पल्स की 5 लेयर, देखिए इसमें बाल भी फंसे हुए हैं, जैसे कि मैंने बताया मैंने एक बार वेयर किया था। तो पूरी यहाँ पर 5-5 जो है वो इसकी लाइन बनी हुई है। अगेन यहाँ पर कुछ इस तरीके की डिटेलिंग है बीच में, जो देखिए कुछ इस तरीके से आएगा, गोल्डन कलर में है। एंड गोल्डन एंड ये पल्स का कॉम्बिनेशन, लुक एट दिस। मैंने व्हाइट इसीलिए वेयर किया हुआ है ताकि जो वेयर करने पर इसका निखार किस तरीके से आएगा वो आपको आइडिया है। लुक एट दिस, बिना कोई एक्स्ट्रा मेकअप, बिना कोई एक्स्ट्रा एक्सेसरी के ये कितना प्यारा एंड ब्यूटीफुल सा लुक दे रहा है आपको। तो इसको आई थिंक बेस्ट है। एंड ये साड़ी के साथ भी काफ़ी अच्छा जाएगा, नवरात्रि के लिए भी काफ़ी बेस्ट है। एंड ये वेस्टर्न अगर आप क्लोथ पहनते हैं तो उसके साथ भी आई थिंक बेस्ट होने वाला है। तो आप इसको इस तरीके से अलग अलग टाइप से स्टाइल कर सकते हैं। प्राइस एंड लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंशन कर दूँगी, तो आप वहाँ से डेफिनेटली चेकआउट कीजिएगा जो भी आपको पसंद आता है। नेक्स्ट जो है मैं ये वाला आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि मैंने अजियो से लिया हुआ है। यस, तो कुछ इस तरीके का इसी बॉक्स में यस मुझे मिला था। एंड ये थोड़ा सा देखिए तो ग्रीन कलर में है एंड पैकेजिंग काफ़ी अच्छी आई थी इसकी। एंड ये दो इयररिंग के साथ इसमें रिंग भी आएगी। यस, एंड ये भी अगेन मोतियों का है, जो कि ग्रीन कलर के छोटे छोटे मोती, यहाँ पे स्टोन मोती स्टोन एंड नीचे ये वाले मोती के लटकन कुछ इस तरीके से मिल जाएंगे। मैं आपको निकाल के दिखाऊँ तो आपको बेहतर आइडिया आएगा। मैंने बहुत अच्छे से देखिए लगाया हुआ है ताकि निकल ना जाए। मैंने इसको एक बार वेयर किया था। यस, मैंने इसको एक ग्रीन कलर का मेरे पास क्लोथ है उसके साथ वेयर किया था, तो मैं फ़ोटोज़ भी ऐड कर दूँगी लगा लगा के जो मैंने वेयर किया था। तो देखिए कुछ इस तरीके से, लुक एट दिस, सो ब्यूटीफुल। तो कुछ इस तरीके से अगेन ये भी पूरा गले से अटैच आने वाला है। लुक एट दिस, क्या ब्यूटीफुल सा लुक देगा। इसी के साथ हमें मिलने वाली है ये रिंग एंड इसी के साथ मिलेंगे हमें दो एयरिंग्स, जो कि कुछ इस तरीके से हमें मिल जाएंगे। तो रिंग एंड एयरिंग दोनों सेम है अगर आप देखें तो एयरिंग एंड रिंग दोनों सेम आएगी हमारे पास। एंड ये कुछ इस तरीके का इसका नेकलेस कहो, हार कहो, सेट कहो, वो मिलने वाला है, जो कि हमें मोती एंड
स्टोन के साथ मिलने वाला है। तो मैं इसको तो पूरे वीडियो में आई थिंक वेयर करके ही रख रही हूँ, काफी ब्यूटीफुल सा लग रहा है मुझे तो। एंड अगेन अगर आप देखें तो ये गोल्डन एंड ग्रीन कलर के कॉम्बिनेशन में है। बैक देखें तो कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। यहाँ आप अगर नजदीक से दिखाओ तो इसको भी मैंने एक या दो बार वेयर किया हुआ है। एंड इसका कोई भी मोती या कुछ भी लटकन कुछ भी गिरता नहीं है, एज इट इज है। तो इसका जो काम है वो काफ़ी अच्छे से किया हुआ है। कुछ होता है कि लटकन वगैरह निकलने लगती है, इसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ना जियो से लिया हुआ है, फिर भी इसकी प्राइस अंडर 500 है। यस एंड ये रिंग विथ एयरिंग के साथ यानी हमें 3 के सेट में मिलने वाला है ये वाला सेट। आई थिंक यहाँ पर भी अच्छा जाएगा, देख लुक एट दिस। मुझे एक्सपेरिमेंट करना काफ़ी अच्छा लगता है। नेक्स्ट जो है वो मैं इसको शेयर कर रही हूँ, जो कि ये मैंने मीशो से लिया हुआ है। बाकी अभी सारे ही जो प्रोडक्ट है वो मीशो से, इसके अंदर मैंने एयरिंग रखी थी तो ये रही। एंड ये भी अगेन हमें झोकर आएगा साथ ही में एयरिंग्स के साथ मिलने वाला है। मैं इसको इस तरीके से अलग अलग पैक करती हूँ जिससे ये ब्लैक नहीं हो जाते हैं, क्योंकि ये जो सिल्वर ऑक्सीडाइज होती है इसको हम एक साथ सभी रखते हैं ना तो बहुत ब्लैक हो जाता है ना। अगेन इसको भी मैंने आई थिंक एक आध दो ईयर हो गए हैं इसको परचेस किए हुए, लेकिन अभी तक वैसे का वैसा ही है। एंड ये देखिए कुछ सिल्वर किस तरीके की डिटेलिंग, यहाँ पे बीच बीच में स्टोन मिल जाएंगे कुछ इस तरीके से। एंड यहाँ पर ये ब्लैक हमें डोरी मिलने वाली है, तो अगेन ये कुछ इस तरीके से झोकर आएगा, जो कि आप नवरात्रि के लिए बेस्ट रहेगा कि आप नवरात्रि में चोली वगैरह वेयर करते हैं तो ऑक्सीडाइज काफ़ी बहुत ही प्यारा लगता है। तो ये होगा एक ऑक्सीडाइज सेट। ये भी कुछ मैंने 150 या 200 में ही मीशो से लिया था। यस ये मेरे बाल फंस रहे, मैं इसको निकाल ही देती हूँ। तो 150 से 200 में ही मैंने लिया था विथ एयरिंग, तो मीशो में काफ़ी ज़्यादा सस्ते मिलते हैं। यस एंड कुछ बच गई। एंड कुछ इस तरीके की हमें दो एयरिंग के साथ मिल जाएगा। तो हमने जो बीच में नेकलेस में पैटर्न देखे सेम हमें एयरिंग में भी मिलने वाली है। एंड नेक्स्ट जो है मेरे पास वो अगेन मीशो का ही प्रोडक्ट है, जो कि ऐसे मिला था। एंड ये भी एक सेट है विथ इसके एयरिंग्स के साथ। ये मुझे उस वक्त काफ़ी, ये थोड़ा सा मुझे कलर चेंज हो गया ऐसा लग रहा है जब लिया था उसके बाद। एंड ये कुछ इस तरीके से घुंघरू वाला है। ये थोड़े थोड़े बज रहे हैं, ज़्यादा नहीं बज रहा है। तो कुछ इस तरीके से अगर आप देखें तो बीच में ये छोटे छोटे घुंघरू, यहाँ पर घुंघरू, यहाँ पर घुंघरू, ऐसे 3 लेयर दोनों ही तरफ है। तो कुछ इस तरीके से है। नहीं यहाँ पर हमें हुक मिलने वाला है अटैचिंग के लिए। यस बाकी सब में दूरी है, इसमें हुक है। एंड लुक एट दिस आफ्टर वेयरिंग, कितना प्यारा ब्यूटीफुल सा लग रहा है। इसको भी आई थिंक 2 ईयर हो गए मुझे परचेस किए हुए। एक आध बार मैंने नवरात्रि में भी वेयर किया हुआ है। एंड इसके बाद भी ये लटकन वगैरह निकलना वाला नहीं है। थोड़ा सा ब्लैक हो गया है लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं दिख रहा है, बिकॉज ये ऑक्सीडाइज होते वो थोड़े तो कलर चेंज होते ही है 2-3 साल के बाद। बाकी तो मैंने इसको अलग अलग ही रखा था। मैं एयरिंग को अलग रखती हूँ, नेकलेस को अलग रखती हूँ, तो आप भी वैसे ही रखिए अलग अलग पॉलीथीन में, जिससे ये काफ़ी लॉन्ग चलेगा एंड ब्लैक नहीं होगा। तो कुछ इस तरीके का ये नेकलेस है। एंड मैं इसको ऐसे भी वेयर करूँ तो माय गॉड क्या लग रहा है। मतलब ऑक्सीडाइज की ज्वेलरी होती है ना, उसको कैसे भी स्टाइल कर लो काफ़ी मस्त लगती है। एंड रात के गरबे में तो काफ़ी ब्यूटीफुल लगने वाली है। इसकी एयरिंग कुछ इस तरीके से है, जैसे ही हमने नेकलेस देखा वैसे यहाँ पर घुंघरू बने हुए हैं। तो कुछ इस तरीके से ये हमें एयरिंग मिल जाएगी, जो कि काफ़ी प्यारी एंड क्यूट सी है। अगेन ये मैंने 150-200 में ही लिया था। यस मीशो से, तो मीशो के जो भी प्रोडक्ट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है, तो आपको ज़्यादा पैसे नहीं वेस्ट करने हैं। एंड अच्छा क्वांटिटी में, अच्छी क्वालिटी, कम पैसे में चाहिए तो आप मीशो से डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। लास्ट में आपके साथ इशर शेयर करने वाली हूँ। ये तो मैंने एक्चुअली ऑफलाइन लिया हुआ है, बट ऑनलाइन इसकी सेम लिंक मिलेगी, मैं आपको दे दूँगी। तो मैंने ये ऑफलाइन परचेस किया हुआ है 120 रुपये इसका। एंड ये देखिए तो आजकल ऐसी भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है जो कि कलरफुल है। ये मैंने एक भी बार वेयर नहीं की हुई है, तो इसका देखो ऑक्सीडाइज इसका कलर एज इट इज है। बाकी सबका देखिए थोड़ा सा श्याम हो गया है, कलर चेंज हो गया है। बाकी ये वेयर नहीं की तो एकदम न्यू है, तो इसका कलर देख लीजिए। अगेन इसमें हमें ये मल्टी कलर मिल जाएंगे, नीचे घुंघरू मिल जाएंगे, पूरा ये थोड़ा सा लॉन्ग यहाँ तक आएगा वैसा लॉन्ग सेट मिलने वाला है। तो यहाँ पर आपने जोकर लगा दिया, यहाँ पर ये लगा दिया, तो लुक वाइज काफ़ी प्रिटी है वो लगने वाला है। तो ये हो गया हमारा लास्ट
पीस जो कि थोड़े लॉन्ग में था एंड ये सिंगल हिप के साथ कोई एयरिंग वगैरह नहीं थे, बाकी हमने जितने भी देखे सारे एयरिंग्स वाले ही थे। तो ये था मेरा ऑनेस्ट रिव्यू, जो कि सारे नेकलेसेस है उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो खत्म होने के बाद आप वहां से चेकआउट कर लीजिएगा एंड जो भी पसंद आता है आप अपने लिए डेफिनेटली परचेस कीजिए। एंड आपको कैसा लगा, कैसा मिला, अपना एक्सपीरियंस, अपनी राय प्लीज मेरे साथ यहाँ पर कमेंट में जरूर शेयर कीजिए। अगर आप चाहे तो मेरे इंस्टा आईडी पर भी मुझे डीएम करके वहां पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं इसी तरीके से एक अपकमिंग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।